हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आई हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है आरपीजीओ। मेरे एक व्यूअर है चिंतामणि जी, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज आरपीजीओ पर वीडियो बनाइए हम सभी लोगों के लिए। तो आज का हमारा वीडियो उन्हीं के रिक्वेस्ट पर आधारित है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आरपीजीओ आप सभी लोगों को बताने वाली हूं, जिसमें आपका लेफ्ट हैंड बहुत अच्छे से खुल जाएगा, क्योंकि जितने भी कीबोर्ड प्लेयर हैं, जब वो आरपीजीओ यानी अनप्लग प्ले करते हैं, उनका राइट हैंड तो अच्छे से चलता है, लेकिन लेफ्ट हैंड हमेशा फंसता है, वो नहीं अच्छे से चलता है। तो उसके लिए आरपीजीओज होते हैं जिसकी एक्सरसाइज करनी होती है। आरपीजीओज की एक्सरसाइज करने से जो हमारा लेफ्ट हैंड है ना, वो बहुत अच्छे से ओपन हो जाता है, बहुत ही फ्री चलने लगता है। तो बहुत सारे आरपीजीओ होते हैं, लेकिन उन सारे आरपीजीओ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आरपीजीओ बताने वाली हूँ। आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आई एम श्योर 100% गारंटी लेती हूँ मैं, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड बहुत अच्छे से ओपन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको एक काम करना है, एज यूजुअल लिखना है। मैं यहाँ पर एक एक नोट को, एक एक फिंगर नंबर को अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए लिखवा रही हूँ। अच्छी तरीके से आप नोट करिए, फिर कीबोर्ड पे अप्लाई कैसे करना है, प्ले कैसे करेंगे, आपका हाथ फ्री कैसे होगा लेफ्ट हैंड, एक एक चीज को अच्छे से क्लियर करते हुए सारी बारीकियों को आपको बताऊंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे ना, तो आपके जो पॉइंट्स है वो छूट जाएंगे, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए नोट करिए कि आरपीजीओ है क्या। सो फ्रेंड्स, हेडिंग डाली है आरपीजीओ। इस आरपीजीओ में मैंने सी मेजर स्केल लेकर के आपको अच्छी तरीके से समझाया है, और ये जो मैंने लिखा है इसको आपको प्ले करना है लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, राइट हैंड साइड से नहीं प्ले करना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से। तो मैंने यहाँ पे सी मेजर में पहले आप देखिए क्या लिखना है, कैसे ये कॉन्सेप्ट बन रहा है। ये बन रहा है सी ई जी, ई जी, सी ई जी सी, जी ई, सी ई, जी ई सी। तो जैसे जैसे इसमें लिखा है अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट मैं कीबोर्ड पर क्लियर करूंगी कि ये एक्चुअली है क्या, क्या मतलब है। तो जब आप अच्छी तरीके से नोट करेंगे ना, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिंगर नंबर भी लिख लीजिए, क्या है, 521 31 53 21 23 53 23 5, ठीक है। अच्छी तरीके से लिखिए, कोई भी मिस्टेक मत करिए, क्योंकि ये आरपीजीओ बहुत ही प्रोफेशनल आरपीजीओ है। इसको प्ले करने से जो प्रोफेशनलिज्म आता है ना, वो बहुत ही परफेक्शन के साथ आता है। तो ये आरपीजीओ जो मैं बता रही हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा इस तरीके से। इस आरपीजीओ का जो आउटकम है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप देखेंगे, अभी मैं कीबोर्ड पर दिखाऊंगी तो आपको खुद लगेगा, यस दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल आरपीजीओ। तो ये क्या है, सी मेजर में मैंने बताया आपको, ये डी माइनर, जितने भी वाइट कीज है ना, उन सब में यही ऐसे ही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। डी माइनर यानी कि जितने भी अगर आप लेंगे, जो स्केल बनेंगे, सी मेजर बनेगा, डी माइनर बनेगा, ई माइनर बनेगा, एफ मेजर बनेगा, जी मेजर बनेगा, ए माइनर बनेगा, बी मेजर बनेगा। इसको अच्छी तरीके से नोट करिए। तो आपको जो मैंने यहाँ पर लिखवाया है एज इट इज, आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इन सभी में जितने भी व्हाइट कीज हैं, इस पे भी आपको लिखना है और अप्लाई करना है। अगर आपको सी मेजर अच्छे से समझ आ गया, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से बजाना आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पे ध्यान देना है, मैंने इसलिए होमवर्क में ये सारी चीजें लिखवा दिया, क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है। हमने एक में बताया, आपका ये होमवर्क होगा कि आप इन सारे स्केल्स में ये वाला आरपीजीओ बनाइए, ठीक है। कुछ अपना भी दिमाग लगाएंगे तो आपका दिमाग और अच्छी तरीके से ओपन होगा। तो मैंने इसीलिए सिर्फ सी मेजर में बताया, बाकी स्केल्स में आपको खुद से बनाना है। तो आइए अब देखते हैं कीबोर्ड पर जो हमने लिखवाया है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका आउटपुट क्या है। सो फ्रेंड्स, जो मैंने आरपीजीओ आप सभी लोगों को लिखवाया है, उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे देखिए। आरपीजीओ को बताने से पहले मैं आपको एक बात अच्छे से क्लियर कर दूं, अगर आपको आरपीजीओ अच्छी तरीके से बजाना है, तो आपको कमांड होना चाहिए अपने कॉर्ड्स पर, लो लो, मिडिल हाई, वेरी हाई, तीनों जगह आपको फटाफट कॉर्ड बजाना आना चाहिए। अगर आपको कॉर्ड पर कमांड होगा, तभी बात बनेगी। तो आरपीजीओ प्ले करने के लिए आपको कॉर्ड्स पे कमांड होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो हमने बताया है वो ये है, यानी कि जब हम सारे गामा पाधा नीसा करते हैं,
ठीक है, अगर हिंदी में देखें और वैसे देखें तो वन, इसके बाद सा पा सा, ये पकड़ते हैं ना इस तरह से, जब तीन नोट इस तरीके से पकड़ते हैं तो एक अलग आरपीजियो बनता है। ठीक है, इसको तो मैंने बता रखा है बहुत पहले ही। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो तीन आरपीजियो मिल करके आरपीजियो का फॉर्मेशन हुआ है। तो यानी कि जब आप मंद्र में आएंगे लो ऑक्टेव में तो सा ये सी जी सी ये पकड़ेंगे। ठीक है, सी जी सी अगर हम काउंट करें तो पहला 1 2 3 4 5, यानी कि पहला नोट, उसके बाद फिफ्थ नोट, उसके बाद एट नोट, यानी कि अगर काउंट करें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये अगर हम पकड़े ऐसे तो ये, ठीक है ऐसे, तो यहाँ पे फिंगर नंबर के साथ क्या 5 2 1। अब आगे जब चल रहे हैं तो ई और जी ये लिए है ना, यानी कि जो की कॉर्ड बनेगा वो यहाँ से ये पकड़ लिया। तो सबसे लो ऑक्टेव में हमने यहाँ पे पकड़ा इस तरह से, और इस वाले ऑक्टेव में हमने पकड़ा इस तरीके से। ठीक है, निकल गया। अब आगे जब बढ़ेंगे तो इस आरपीजियो को प्ले करने के लिए हम जो ऑक्टेव ले रहे हैं वो वेरी लो और लो ऑक्टेव में ही, क्योंकि इधर से तो हम अपना नोट प्ले करते हैं गाने का, तो हमें इसी में रन करना है लो, वेरी लो ऑक्टेव और लो ऑक्टेव। तो कैसे करेंगे इस, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आरपीजियो हमारा चार कॉलम में है। तो पहला कॉलम सी जी सी, दूसरा है ई ई जी, दूसरा है ई जी, तीसरा है हमारा सी ई जी सी, और चौथा लास्ट वाला है कि जी ई सी ई जी ई सी। तो जी ई सी ई जी ई सी जी ई सी ई जी ई सी, इस तरह से। तो अगर आप फिंगर नंबर पे ध्यान दें तो 5 2 1 3 1 5 3 2 1, फिर 2 3 5 3 2 3 5। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा लगता है लेकिन जब प्ले करने लगेंगे तो बहुत ही आसान सीधा सीधा लगता है। तो ये पहला वाला कम से कम 10 बार करिए, देखिए। बहुत आसान लगता है जब आप इसको अच्छे से प्ले करते हो तो। मैं स्लो स्लो करके बता दूं, देखिए क्या क्या है। ठीक है, पहला सी जी सी ई जी, फिर सी ई जी सी जी ई सी ई जी ई सी। ठीक है, तो अगर हम डी माइनर लेते हैं, वैसे इसके हमारा ये होता है अगर माइनर लेंगे तो यहाँ से बनेगा, ई को लेंगे तो ई पे भी वही पड़ेगा, ऐसे आप धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। अगर सी पे अच्छे से कमांड कर लिया इस आरपीजियो में तो आगे के जितने भी आरपीजियोज हैं बहुत ही आराम से आएंगे, तो इसलिए पहले पे बहुत ध्यान दीजिए। कम से कम 10-15 बार इसको प्ले कर लीजिए। इस तरीके से खूब अच्छी तरीके से जब सेट हो जाएगा फिंगर तो धीरे धीरे तब पूरे पे बहुत अच्छे से हो जाएगा। जैसे इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब इस आरपीजियो पर आधारित एक गाना मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इस आरपीजियो का आउटकम कितना खूबसूरत आ रहा है, आपको खुद ही सुनकर ही समझ आ जाएगा। अगर आपने इसको अच्छी तरीके से अप्लाई किया और किसी भी गाने में आप यूज करेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत आउटपुट आएगा। तो आइए प्ले करके दिखाती हूँ।
इस गाने को पूरा नहीं बजाएंगे नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। ट्यून सुनते ही आपको समझ आ गया होगा कि ये गाना कौन सा है, गाना कौन सा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने देखा इस आरपी जो के साथ कितना खूबसूरत लग रहा है, जब आप इसको अनप्लग के फॉर्म में करोगे ना तो बहुत ही खूबसूरत इसका आउटकम आता है। तो आप सभी लोग इस आरपीजियो को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और किसी भी गाने में आप अप्लाई करें, बहुत ही अच्छे से आपका हाथ जो है लेफ्ट हैंड खुल जाएगा इस आरपीजियो से। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आरपीजियो या कीबोर्ड के बारे में और भी ज्यादा नॉलेज चाहिए, अगर आपको ऑनलाइन क्लास करनी है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी आरपीजियो सीख सकते हैं, ऑनलाइन क्लास करना है तो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। और फिर एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए कि प्लीज अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप जब ये नॉलेज शेयर करते हैं बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाती है। तो चलिए हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।